Java string buffer class is used to create mutable modifiable string. The string buffer class in Java is same as string class except it is mutable. That is, it can be changed. अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग string से string या फिर string का object बना के अगर हम लोग कोई भी string create करते हैं तब क्या होता है, हम लोग उसमें कोई भी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते. मतलब अगर एक बार स्ट्रिंग बन गया तो उसमें कभी भी हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई हम लोग उसमें नहीं कर सकते. मीन्स जैसे मान के चलिए हेलो मैंने लिखा, अगर मैंने हेलो लिखा एक स्ट्रिंग मैंने बनाया हेलो, ठीक है, अगर मुझे एच ई एल एल के बाद एक्स एक्स लिखना है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है. या फिर यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रिंग ऐड करना है तो हालांकि वो हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है. लेकिन अगर बीच में या फिर कोई उसको हम लोग को रिवर्स करना है या कोई दूसरा स्ट्रिंग अपेंड करना है तो उस प्रकार के काम हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग्स में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया स्ट्रिंग बफर क्लास. तो जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल मॉडिफिएबल स्ट्रिंग. म्यूटेबल मतलब होता है मॉडिफिएबल. हम लोग इस स्ट्रिंग बफर क्लास से जो भी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं. द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज द स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज्ड. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज थ्रेड सेफ, दैट इज मल्टीपल थ्रेड्स कैनॉट एक्सेस इट साइमल्टेनियसली. So it is safe and will be result in an order. अगर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को रन करते हैं और वो थ्रेड्स के अंदर हम लोग उसको रन करते हैं, थ्रेड्स एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर. अगर हम लोग थ्रेड्स के थ्रू अगर हमने स्ट्रिंग बफर क्लास को हम लोग रन करते हैं तो वहाँ पे जब भी कोई थ्रेड्स रन होते हैं तो वो ऑर्डर में रन नहीं होते, वो रैंडमली रन होते हैं. तो वहाँ जो आउटपुट हम लोग को मिलता है वो भी रैंडम मिलता है. लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज करते हैं और उसको रन करते हैं तो हम लोग को इन ऑर्डर वहां पे आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है. तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास देखें वो एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है. कुछ इसके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. सबसे पहला कंस्ट्रक्टर होता है स्ट्रिंग बफर. Creates an empty string buffer with the initial capacity of 16. Creates an empty string buffer constructor creates an empty string buffer with the initial capacity of 16. इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है उसका एक कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, उसकी इनिशियल कैपेसिटी रहेगी 16. मतलब उसमें 16 कैरेक्टर्स के उसमें हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं. अगर 16 से एक भी ज्यादा हो जाता है, मतलब 17 अगर कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो और एक 16 का स्लॉट मिल जाता है. यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं तो यहाँ पे मान के चलिए 16 इनिशियली हम लोग को मिल गया. अगर 16 से 17 हो जाता है, अगर मान के चलो हम लोग कैरेक्टर काउंट 17 हो जाता है, तो हम लोग का जो स्पेस है 16 के साथ है प्लस 16 हो जाएगा. मतलब 16 के स्लॉट में हम लोग को मेमोरी एलोकेशन होते जाएगा. तो इस प्रकार से यहाँ पे मेमोरी अलोकेट किया जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग str. इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे. क्रिएट्स ए स्ट्रिंग बफर विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. क्रिएट्स ए स्ट्रिंग बफर विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. यहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं, एक हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रिंग बफर
int capacity creates an empty string buffer with the specified capacity as length. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी उसकी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी 16 की कैपेसिटी में होगी, मतलब 16 के मल्टीपल्स में होगी, 16, 32, 64, इस प्रकार से. इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. सबसे फर्स्ट मेथड यहाँ पे पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर, मॉडिफायर टाइप है, मॉडिफायर टाइप है. मेथड है इसका अपेंड, और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास करते हैं स्ट्रिंग एस. इट इज यूज टू अपेंड द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग विद दिस स्ट्रिंग. मतलब हम लोग को अगर दो स्ट्रिंग को अपेंड करना है, मीन्स क्या करना है, हम लोग को ज्वाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं. द अपेंड मेथड इज ओवरलोडेड लाइक अपेंड कैर, अपेंड बूलियन, अपेंड इंट, अपेंड फ्लोट, अपेंड डबल एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैर, बूलियन, इंट, फ्लोट, डबल डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट इंट ऑफसेट स्ट्रिंग एस. हम लोग को यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना होता है इंट ऑफसेट, मतलब अपना हम लोग को एक पोजीशन देना होता है और साथ में एक स्ट्रिंग देना होता है, तो उस प्लेस पे जाके उस स्ट्रिंग को वो इंसर्ट कर देता है. इट इज यूज टू इंसर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग विद दिस स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड पोजिशन. हम लोग को एक पोजीशन देना होता है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं. हम लोग किसी भी पोजीशन पे कर सकते हैं, लाइक हम लोग इंडेक्स नंबर 3 पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 पास कर देंगे और यहाँ पे हम लोग उस स्ट्रिंग को पास कर देंगे. वो इंडेक्स नंबर 3 में इंसर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग को, और बाकी बाकी जो स्ट्रिंग है उसको राइट शिफ्ट कर देगा, उसका इंडेक्स चेंज हो जाता है. तो इस प्रकार से हम लोग रन टाइम पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिप्लेस. हम लोग को अगर स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इंट स्टार्ट इंडेक्स, इंट एंड इंडेक्स, स्ट्रिंग str, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा. साथ में उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कि उस स्ट्रिंग को स्टार्टिंग इंडेक्स और इंट इंडेक्स के बीच में जो होगा उसको रिप्लेस कर देगा. is used to replace the string from specified start index and end index. मतलब दो इंडेक्स हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, अगर उस इंडेक्स के बीच वाली जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करना है तो हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिलीट. डिलीट इंट स्टार्ट इंडेक्स, इंट एंड इंडेक्स. अगर हम लोग को किसी भी स्ट्रिंग के बीच का कोई भी स्ट्रिंग हम लोग को डिलीट मार देना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट मेथड का यूज करेंगे. Is used to delete the string from specified start index and end index. Okay. Next है reverse. अगर किसी भी string को reverse करना है तो हम लोग reverse का use करते हैं. हम लोग को readymade मिल जाता है reverse method, और सिर्फ हम लोग को string पे apply करना होता है और हम लोग उस string को reverse कर सकते हैं. Is used to reverse the string. Next है capacity. कैपेसिटी इज यूज टू रिटर्न द करंट कैपेसिटी. करंट कैपेसिटी अगर हम लोग को रिटर्न करना है तो हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग बफर क्लास कितना मेमोरी स्पेस या फिर कैपेसिटी उसकी कितनी है. नेक्स्ट यहाँ पे एनश्योर कैपेसिटी. इंट मिनिमम कैपेसिटी हम लोग को यहाँ पे पास करना होता है. इज यूज टू एनश्योर द कैपेसिटी एटलीस्ट इक्वल टू द गिवन मिनिमम. अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम पास कर दिए, मान के चलिए 16, तो उतना कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए. अगर मान के चलिए हम लोग 50 पास कर देते हैं तो 50 तो उसमें मिनिमम नहीं लेगा, वो 64 ही लेगा. तो वहां पे हम लोग को ऐसा पास करना है कि वो हम लोग का स्ट्रिंग बफर क्लास जो है एक्सेप्ट कर पाए. नेक्स्ट आता है कैरेट. कैरेट जैसा स्ट्रिंग में होता था वैसे ही यहाँ पे भी होता है. वहां पे भी हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, और उस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करता है. कैरेट इज यूज्ड टू रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन. नेक्स्ट है लेंथ. लेंथ इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स.
देन उसके बाद आता है सब स्ट्रिंग इंट बिगेन इंडेक्स इज यूज टू रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगेन इंडेक्स. बिगेन इंडेक्स यहाँ पे पास करना है और साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं उस बिगेन इंडेक्स जो भी इंडेक्स होगा जैसे इंडेक्स नंबर 3 है, इंडेक्स नंबर 3 के बाद से लेके पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग तक वो रिटर्न कर देगा. सब स्ट्रिंग में क्या होगा इंट बिगेन इंडेक्स इंट एंड इंडेक्स, हम लोग को दो इंडेक्स बिगेन और एंड पास करना होगा, उसके बीच का हम लोग को स्ट्रिंग जो भी होगा एज ए सब स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करेगा. इज यूज टू रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिगेन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स. ठीक है, यहाँ पे जितने भी जावा के एप्लीकेशन बनते हैं सब में क्या होता है स्ट्रिंग बफर क्लास का ही यूज किया जाता है मैक्सिमम. इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें मेमोरी स्लॉट में अलोकेट होता है. सेकंड चीज क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को रेडीमेड पहले से बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं जिससे हम लोग अपने स्ट्रिंग को बेटर हैंडल कर सकते हैं. इससे हम लोग को फायदा क्या है कि अगर हम लोग को कभी भी कोई भी रन टाइम पे अगर हम लोग को स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है तो हम लोग कर सकते हैं. हम लोग बहुत सारी जगह पे ऐसा देखते हैं कि हम लोग को लास्ट में कुछ सफिक्स ऐड करना होता है तो हम लोग वो कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को बेटर हैंडल कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है स्ट्रिंग बफर अपेंड मेथड. द अपेंड मेथड कॉनकैटिनेट्स द स्ट्रिंग आर्गुमेंट विद दिस स्ट्रिंग. विद दिस स्ट्रिंग मींस जो भी करंट स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होगा उसके साथ में अपेंड करेगा, कोई दूसरे स्ट्रिंग के साथ अपेंड नहीं करेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास ले लिए स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास किए हैं हेलो. तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा और उसको इनिशियलाइज हम लोग हेलो से कर चुके हैं तो हम लोग का एस बी में क्या है मिल जाएगा हेलो मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखे एस बी डॉट अपेंड, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करके हम लोग यहाँ पे अपेंड लिख रहे हैं और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जावा लिखे. नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज्ड एस बी डॉट अपेंड, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था यहाँ पे हेलो था, अब उसके साथ क्या जुड़ जाएगा जावा जुड़ जाएगा. मतलब एस बी में ही चेंजेस किया गया और वहां पे एक स्ट्रिंग और जोड़ दिया गया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी, अगर हम लोग इस एस बी को प्रिंट करेंगे तो नाउ प्रिंट हेलो जावा, मीन्स इस हेलो के साथ में अपेंड क्या हो गया जावा हो गया. ओके, नेक्स्ट क्लास है सॉरी नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे इंसर्ट मेथड. द इंसर्ट मेथड इंसर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग विद दिस स्ट्रिंग एट द गिवन पोजिशन. तो यहाँ पे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को किसी भी पोजिशन पे इंसर्ट अगर करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं विद इंसर्ट मेथड. यहाँ पे हम लोग ले लिए क्लास स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल टू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग बफर क्रिएट कर लिए एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लिए हेलो से. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम लोग एस बी डॉट इंसर्ट, यहाँ पोजिशन हम लोग डाल रहे हैं वन, फर्स्ट पोजिशन पे हम लोग को इंसर्ट करना है. मीन्स ये क्या करेगा फर्स्ट पोजिशन लेगा उसके बाद में किसको इंसर्ट कर देगा इस जावा को इंसर्ट कर देगा. नाउ ओरिजिनल स्ट्रिंग इज चेंज, जो हमारा हेलो था उसके फर्स्ट पोजिशन पे क्या इंसर्ट हो जाएगा जावा. अगर हम लोग इस एस बी को प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस बी, तो यहाँ पे प्रिंट एच जावा ई एल एल ओ, तो यहाँ फर्स्ट पोजिशन के बाद क्या इंसर्ट हो गया जावा इंसर्ट हो गया.